साहब जरूरतें पड़ गई कि हमारे 48 राजपूत ब्राह्मण यहाँ पर बैठे, एक व्यक्ति ने हमारे क्षत्रिय समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग कर दिया, हमारे इतिहास के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी, हमारे माँ के दूध के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी, हम लोगों को नजायज औलादे बोला जा रहा है, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों पुरखों को तलवे चाटने वाले बोला जा रहा है। मैं इनसे पूछने के लिए हम आए कि तुम्हारा खून नहीं खोला यहाँ पर बैठकर, एक बार प्रतिशत भी तुम्हें नहीं लगा कि इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 40 लाख राजपूत सबसे ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उन लोगों की भावनाओं की कदर हम लोगों को करनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरे वर्ग के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता तब तो तुम कह जाते, बड़े उसमें आ जाते कि भैया उनको नौकरी भी देंगे, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग हुआ, बड़ा गलत हुआ, सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ऐसे इतने सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से क्षत्रिय समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करते हो। ये जो पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, ये जो जितने वर्दी वाले यहाँ पर खड़े हैं, हमारी तो बड़ी फेसबुक के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम नज़र गड़ाए बैठते हो। जो भी हम पोस्ट करते हैं कभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, कभी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते हो। आज जो ये लोग अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग कर रहे हो, क्या तुमने एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करी, ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाई? हम लोग यहाँ पर अगर बोलने के लिए आते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अपने शब्दों के ऊपर विराम रखना, उन लोगों के ऊपर शब्दों के ऊपर विराम लगाया। इस देश का संविधान की आड़ लेकर अगर इस देश में रहने वाले क्षत्रिय समाज को अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणियों से कोई अगर बोलेगा तो 1% भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आमने सामने की धमकियां देने वाले हैं आज घर छोड़कर भाग गए, आज अपना परिवार लेकर घर छोड़कर भाग गए, आज सारे के सारे लोग पहले ओपन चैलेंज करते उसके बाद घर छोड़कर भाग जाते हैं। आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो मंत्री यहाँ पर जो हैं, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, आपके जिला शिमला के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, आपके नाम के आगे ठाकुर लिखा है, 48 जितने भी यहाँ पर बैठे हैं तुम्हारे नाम के आगे ठाकुर और ब्राह्मण लिखा है, कम से कम थोड़ा सा तो हमारी भावनाओं का लिहाज करो। कम से कम आप लोग अगर हमारी भावना ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर आप इस लोक से इस विधानसभा के अंदर बैठकर, सचिवालय के अंदर बैठ के आप क्या हमारे लिए कोई कानून नहीं बना सकते? स्वर्ण आयोग बनाने के लिए आपने हमारे बच्चों की वर्दियां छीन ली तो सेकंड नहीं लगाया, स्कूल बैग छीन लिया सेकंड नहीं लगाया। हमने आयोग की मांग 16 मार्च को करी तब आप बोलते जी 6 महीना 1 साल चाहिए। हमारे लिए कुछ भी करने के लिए आपको समय चाहिए, दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए आप सेकंड्स का टाइम नहीं लगाते। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, इन मंत्री विधायकों को अपनी आंखों से ये जो काले चश्मे लगाए हैं इसको उतार दो। इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाला स्वर्ण समाज की ताकत को कम नहीं समझना, क्षत्रिय समाज की ताकत को कम नहीं समझ। आज हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हमारे मन को ठेस पहुंची है, तो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन लोगों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन को चाहे DGP को आदेश करे कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, आपके जिला शिमला के कई हैं जो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। हमने 2 दिन पहले अभी SP महोदय को हमने एक शिकायत पत्र FIR के लिए दिया था, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि ये एट्रोसिटी SC ST एक्ट का सहारा लेते हैं, ये संविधान का सहारा लेते हैं।